Morning everyone. Continuing with our next topic under the chapter mutual funds, that is NAVs. NAVs kya hota hai? NAV ka full form hai net asset value. Net asset value kya batati hai aapko? Net asset value batati hai ki jo market value hai per share ki kisi ek particular mutual fund ki wo kitni hai. Matlab ek unit jo hai mutual fund ki uski value kitni hai, uska price kya hai. इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसे कैलकुलेट हम करते हैं जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं उसे माइनस करके आपकी टोटल एसेट वैल्यू से और उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से. नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड्स की हैं. तो जब आप टोटल एसेट वैल्यू से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज को और उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से तो आपको नेट एसेट वैल्यू मिलेगी. अगर आपको ये निकालना है, नेट एसेट वैल्यू निकालना है, तो जो भी आपकी पोर्टफोलियो है, जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब कि किस किस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी मार्केट वैल्यू आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी और उसे डिवाइड करना पड़ेगा जो भी टोटल करंट फंड का यूनिट नंबर है उससे, तो आपका जो प्राइस है ईच फंड यूनिट का वो निकलेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूनिट होती है, जो यूनिट की कॉस्ट होती है एक म्यूचुअल फंड की, वो 10 रुपये से शुरू होती है और जैसे जैसे आपकी जो एसेट्स हैं फंड में वो ग्रो करती रहती हैं तो जो आपकी एनएवी है वो भी ग्रो करती रहेगी. कॉमनली जो नेट एसेट वैल्यू है एसेट की वो कॉमनली यूज्ड होती है ओपन एंड फंड्स में और इन इन्वेस्टमेंट्स में जो आपका इंटरेस्ट और शेयर्स हैं उनमें ट्रेड नहीं किया जाता है बिटवीन दी शेयर होल्डर्स. जो भी आपकी एनएवी है वो आपको हेल्प करती है इन डिटरमाइन करने में कि आपको किस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए. देन नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट वैल्यू ऑफ एन एसेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल एसेट, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स. तो आपकी निकल जाएगी नेट एसेट वैल्यू. नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या होती है? म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो रियल टाइम में ट्रेड नहीं करते. रियल टाइम में ट्रेड करने का मतलब कि उनकी जो यूनिट्स हैं, जैसे स्टॉक्स होते हैं आपके, वो तो डायरेक्ट ट्रेड आप कर रहे हो, बाय और सेल कर रहे हो, जबकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है. पोर्टफोलियो उनका एक अलग से होता है. जैसे सपोज म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स हैं आपने उसका 30% इक्विटी में लगाया, 40% आपने डेप्ट में लगाया और 30% आपने उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा दिया. तो ये जो डिफरेंट प्रोपोर्शन है किस किस कंपनी की सिक्योरिटीज़ में लगाया, हो सकता है आपका जो म्यूचुअल फंड का पूल है उसे आपने 10 कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में लगाया हुआ है. तो आपको उन 10 कंपनीज की जो वैल्यू है, पर यूनिट की जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी. उसके बाद आपका जो म्यूचुअल फंड है उसकी पर यूनिट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएंगे. तो इसमें क्या है जो जिसे आप कैलकुलेट करते हो, ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एसेट सेक्शंस में देखते हैं. एसेट सेक्शन जो है म्यूचुअल फंड में, उसमें आप क्यूमुलेटिव मार्केट वैल्यू निकालते हो पर्टिकुलर फंड की इन्वेस्टमेंट्स की, जिसमें रिसीवेबल्स, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, अदर इक्विटी इनकम इंक्लूड हो सकती है. जो मार्केट वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईच डे, जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस होगा डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का जो आपके फंड के पोर्टफोलियो की है, उनकी मार्केट वैल्यू आप निकालते हो और एक परसेंटेज जो है कैपिटल का इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, कैश या अदर आइटम्स जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड एक्सेट्रा, वो सारा कैलकुलेट आप करते हो और उसको टोटल आप करते हो जो आपके फंड के पोर्टफोलियो में आता है. देन लायबिलिटीज़ में जो भी आपकी लायबिलिटीज़ है, जिसमें आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, मनी आपने लेंडर्स को ओ करनी की है, कोई अदर फीस चार्जेस आपके जो एसोसिएटेड एंट्रीज के हैं, वो सारे आप इसमें से माइनस करते हो. और ये इसमें आपके जो एक्सपेंसेस है, क्रूड एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज़ के, स्टाफ सैलरीज के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, डिस्ट्रीब्यूशन के, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जो चार्जेस हैं आपके, वो सारे आपके लायबिलिटीज़ में इंक्लूड होते हैं. उसके बाद हम जो है एनएवी कैलकुलेट करते हैं, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा उसमें कि जहाँ पे आप टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस करते हो और उसे डिवाइड करते हो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स से.
अब जो नेट वैल्यू है एक एसेट की, उसे कैलकुलेट करने के हमारे पास टू टाइप्स हैं नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए. एक है डेली नेट वैल्यूएशन ऑफ एसेट और एक है जर्नल कैलकुलेशन ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ एसेट. जो डेली नेट वैल्यूएशन ऑफ एसेट है उसमें जो भी सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं वो इवेल्युएट करती है अपनी टोटल वर्थ पोर्टफोलियो की डेली, जब स्टॉक मार्केट क्लोज होती है, मतलब जिस जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी के जो प्राइस का जो प्राइस है शेयर का, उसे वो कैलकुलेट करेंगी कि उसके उसमें उन्होंने कितनी इन्वेस्ट की है पर शेयर के प्राइस से उसे मल्टीप्लाई करेंगी, फिर उसकी वैल्यू निकलेगी. ऐसी पूरे पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू निकालते हैं. देन जो आपका फंड हाउस होता है उसमें से जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके वो डेली के डेली वो माइनस करता है जो भी हमने ऊपर फॉर्मूला किया उसके अकॉर्डिंग. देन जो जर्नल कैलकुलेशन ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ एसेट है, इसमें जो आपका प्राइस है इक्विटी शेयर का और जो क्यूमुलेटिव कॉस्ट है इंडिविजुअल शेयर्स की, उसे आप कंसिडर करते हैं. और ये कैलकुलेशन आपको जो मार्केट वैल्यू है पर्टिकुलर एसेट की वो देती है, लेकिन ये चेंज होती है एज पर दी मार्केट फ्लक्चुएशंस. जो रोल है एनएवी का इन दी परफॉर्मेंस ऑफ फंड वो क्या है? कई इन्वेस्टर्स ये बिलीव करते हैं कि जो नेट वैल्यू है एसेट की वो सेम होती है स्टॉक प्राइस की, बट ऐसा नहीं है. इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है? जो स्टॉक प्राइस होता है वो सिंगल यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस बाय और सेल के डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग निकल रहा है, जबकि जो नेट वैल्यू होती है एक म्यूचुअल फंड के यूनिट की, वो पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड का उसकी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट्स आपने पोर्टफोलियो के अंडर की है उसकी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. तो ये था हमारा टॉपिक एनएवी का. तो इसके साथ ये जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स का वो कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.